हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीज ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के दो जिला बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला की तरफ से भर्ती के लिए नई विज्ञापन जारी की गई है। यह भर्ती समग्र शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2023 रखी गई है। कौन कौन से पद निकाले गए हैं, कितने पद हैं, आयु और सैलरी क्या रहेगी और योग्यता क्या रहेगी और आवेदन किस प्रकार से करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा GPM छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2023 रखी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए दो पद यहाँ पर निकाले गए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त संस्था से बेचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट डिग्री कोर्स होना चाहिए। छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है और यह संविदा भर्ती है। 31 मार्च 2024 तक के लिए यह भर्ती की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर अवधि को बढ़ाई भी जा सकती है। इसके लिए ₹20,000 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। आयु सीमा की गणना 1 सितंबर 2023 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जाएगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा। आवेदन के साथ में सभी आवश्यक दस्तावेज प्रमाण पत्र एवं अंक सूची सप्रमाणित होना अनिवार्य है। आवेदक को लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से लिखना होगा, नहीं तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता भी आवश्यक रूप से लिखना होगा। आवेदन पत्र जिला मिशन समन्वयक जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला पंचायत परिसर द्वितीय तल बिलासपुर में इस एड्रेस पर ही आपको अपना आवेदन स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक या कुरियर के माध्यम से भेजना होगा। आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण के लिए 10वीं कक्षा की उत्तीर्ण होने की प्रमाण पत्र या अंक सूची लगाना अनिवार्य है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2023 रखी गई है। इसी PDF के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है। यहाँ पे फोटो, आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपिस्ट परिषद में जीवित पंजीयन का डिटेल डालना है और पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है और आप जितने भी डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं फॉर्म के साथ में सभी की सूची यहाँ पर लगा देनी है। दिनांक और स्थान लिख देना है। आवेदक का हस्ताक्षर, नाम और मोबाइल नंबर लिख देना है। लास्ट में घोषणा पत्र दिया गया है, यहाँ पे भी अपना सिग्नेचर करना होगा और दिनांक और स्थान लिख देना है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है जिसे प्रिंट निकाल कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही की तरफ से जारी की गई है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2023 रखी गई है। इसमें स्पेशल एजुकेटर के लिए दो पद यहां पर निकाले गए हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए क्वालिफिकेशन स्नातकोत्तर के साथ BEd विशेष शिक्षा अर्थात निःशक्तता पर आधारित शिक्षा यहाँ पर होनी चाहिए या BEd के साथ BEd सामान्य के साथ 2 साल का डिप्लोमा विशेष शिक्षा में होना अनिवार्य है और यह भी संविदा भर्ती है। 31 मार्च 2024 तक के लिए भर्ती की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर अवधि को बढ़ाई भी जा सकती है। इसमें सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए प्रति माह ₹20,000 का पेमेंट दिया जाएगा। इसमें आयु की गणना 1 सितंबर 2023 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी और यहाँ पर मेरिट के आधार पर चयन होगा तो अंकों का विभाजन दे दिया गया है जिसे आप PDF डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। यदि कोई आवेदक विशेष शिक्षा में BEd के साथ विशेष शिक्षा में DEd
2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण किया है तो उन्हें केवल विशेष शिक्षा बीएड में प्राप्तांक के अनुसार ही यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। इसी प्रकार बाकी की जानकारी भी दे दी गई है, आप पीडीएफ से रीड कर लीजिएगा। देख लेते हैं आवेदन भेजने का एड्रेस। आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बीआरसी भवन गौरेला कलेक्टर ऑफिस में ऑफिस के सामने जिला गौरेला पिंडरा मरवाही इस एड्रेस पर ही आपको अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक की स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा या कुरियर के माध्यम से भेजना होगा। इस एड्रेस पर आवेदन आपको 18 अक्टूबर 2023 के पहले पहले भेज देना होगा और अपने जन्म के प्रमाण के लिए एप्लीकेशन के साथ में 10वीं का मार्कशीट लगाना अनिवार्य है। इसी पीडीएफ के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, फोटो लगा देना है, आवेदित पत्र का नाम, आवेदक का पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन डिटेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, जितने भी डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं सबकी सूची, स्थान, दिनांक, आवेदक के हस्ताक्षर, लास्ट में घोषणा पत्र दिया है इसमें भी अपना सिग्नेचर कर देना है, दिनांक और स्थान लिख देना है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों ही जिले की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, जहाँ से आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और दोनों ही पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। दोनों ही जिले के विज्ञापन के पीडीएफ के अंतिम में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, जिसे प्रिंट निकाल कर आप पूरी तरह से भर लीजिएगा और फॉर्म के साथ में सभी डॉक्यूमेंट आपको लगा देना होगा सेल्फ अटेस्टेड करके, और फोटो लगा देना होगा। डॉक्यूमेंट में आपका सिग्नेचर होना अनिवार्य है और फॉर्म को और सभी डॉक्यूमेंट को आपको एक लिफाफे में भर देना है, उसमें अपना नाम पता लिख देना है, पद का नाम लिख देना है और जिस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेजना है वह एड्रेस आपको बता दिया गया है, वो एड्रेस भी आपको लिफाफे के ऊपर लिख देना है और उसे मंगाए गए पते पर 18 अक्टूबर 2023 के पहले पहले पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से आपको अपना आवेदन कर देना है। छत्तीसगढ़ में अन्य जिले की तरफ से अलग अलग विभागों की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी की गई है और आत्मानंद स्कूल की तरफ से भी भर्ती विज्ञापन जारी हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी आप मेरी पिछले वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर आप उन पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।